पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर का चालान कटा है। उन्हें चालान की रकम के रूप में 10,000 रुपए जमा कराने को कहा गया है। ये कार्रवाई चंडीगढ़ नगर निगम ने की है। नगर निगम के अफसर ने सीएम के घर के बाहर गंदगी देखने के बाद चालान काटा है। हालांकि अभी तक इस पर भगवंत मान या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले में निगम आयुक्त अनिंदिता मित्रा ने बताया, शहर का निरीक्षण के दौरान सैनिटरी इंस्पेक्टर को कोठी नंबर 7 के बाहर कचरा फैला दिखा था। बाद में एसआई ने फोटो खींचकर 10,000 रुपए का चालान काट दिया है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की बटालियन 113 के डीएसपी हरजिंदर सिंह के नाम चालान काटा। निगम अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर 2 की कोठी नंबर 6 और 7 सीएम भगवंत मान के नाम पर है। 6 नंबर कोठी में सीएम रहते हैं, जबकि 7 नंबर कोठी का इस्तेमाल सुरक्षा कर्मी करते हैं। चालान कटने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने इसे लेने से मना कर दिया और इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी शादी की है। मान की शादी पूरी सिख रीति रिवाजों से हुई। शादी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ हुई है। ये शादी उनके सरकारी बंगले में हुई है। दरअसल 48 साल के भगवंत मान का उनकी पत्नी के साथ 2015 में तलाक हो गया था। उन्हें पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं।